हे दोस्तों, youhelpsr.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 अप्रैल को दोपहर 11 बजे तक कितने एप्लीकेशन फॉर्म किस जोन से आ चुके हैं, ताकि आपको पता रहे कि किस जोन से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या कॉम्पिटिशन लेवल है किस जोन का, और जिस भी जोन से अप्लाई आपने किया है वहाँ पर किस हद तक का कॉम्पिटिशन है। साथ ही साथ और भी जानकारी हम देखेंगे कि कौन से सबसे डेंजर जोन है जहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, रेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन सबसे ज्यादा किस जोन से है ये भी इस वीडियो में देखेंगे, और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको कौन से जोन से अप्लाई करना चाहिए ये इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो सीधे यहां पर मैं आपको जो है सभी आरआरसी वाइज जो है लिस्ट आपको बता दूंगा कि 16 आरआरसी से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सीधे यहां पर मैं आपको लिस्ट करके चलता हूं। ये हमने आपके लिए लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर जो है हमने आरआरसी जोन लिख रखा है कि किस जोन से कितने फॉर्म है, उसके बाद उसके टोटल एप्लीकेशन फॉर्म, और अगले कॉलम में है टोटल सीट्स। तो यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस जोन से कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां पर टोटल सीट्स कितनी है, और यहां से आप पर सीट जो है कॉम्पिटिशन भी निकाल सकते हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन कैसे निकालेंगे, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए हैं उसमें अगर हम टोटल सीट्स को डिवाइड कर दें तो पर सीट्स जो है कॉम्बिनेशन यहां पर आपका निकल के आता है कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स यहां पर जो है वो आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप सभी जोन का यहां पर जो है वो डेटा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन जिस जगह पर चल रहा है वो है नॉर्थन रेलवे दिल्ली। यहां पर सबसे ज्यादा सीट्स है 13,153 अलग अलग सीट्स के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म यहीं भरे जा रहे हैं। इसमें टोटल अब तक 7,93,234 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं 3 अप्रैल को दोपहर 11 बजे तक। अगला जो आरआरसी है वो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अब तक 4,96,298 कैंडिडेट जो है अप्लाई कर चुके हैं, 10,873 बम्पर भर्ती यहां पर जो थी। तो दोनों जोन आपके जो पहला जोन दिल्ली था, दूसरा जो कोलकाता है, इन दोनों में 10,000 से ऊपर सीट थी और एप्लीकेशन फॉर्म इसमें 4 लाख जो है और 7 लाख इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, अगला जोन यहां पे हम देख लेते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई। यहां पर 3,87,687 कैंडिडेट्स जो है अब तक अप्लाई कर चुके हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 10,734 अलग अलग सीट्स के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। तो स्टार्टिंग के जितने भी 4-5 जोन में आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर कॉम्पिटिशन काफी हाई है सीट्स के हिसाब से। यहां पर जो है जो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, साउथर्न रेलवे चेन्नई यहाँ पर 5,18,990 कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं, और इस पर जो है टोटल सीट थी 9,579 अलग अलग सीट्स यहाँ पर थी। अगली बात करते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई मतलब अगर आपको मुंबई के आसपास जॉब चाहिए तो आप इस जोन से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं 4,51,789 3 अप्रैल को दोपहर 11 बजे तक का ये डेटा है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स से ईमेल्स के थ्रू हमें जो डेटा मिलता है वही डेटा हम वीडियो के फॉर्मेट में आप सबको बताते हैं। तो वीडियो में कमेंट में आपको हमारी ईमेल आईडी srjec14@gmail.com मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप इसी तरह से हमें स्क्रीनशॉट से जो है वो सेंड करते रहें ताकि सभी लोगों का यहाँ पर बेनिफिट्स हो। टोटल सीट्स की बात करें तो 9,345 यहाँ पर अलग अलग सीट थी। अगला यहाँ पर रेलवे जोन देख लेते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। यहां पर जो अब तक टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं वो 5,31,403 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत ही तेजी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 9,328 यहां पर टोटल सीट थी। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो में आपको मैं 5 सबसे सुरक्षित जोन बताऊंगा जहां पर कि पर सीट कॉम्बिनेशन बहुत ही कम है और जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं जो वो बहुत कम भरे जा रहे हैं, तो जो थोड़े से आपके लिए सेफ रहेंगे तो वो 5 जोन में आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देख ले, साथ ही साथ सारे जोन का यहां पे हम डेटा देख लेते हैं। अगला जोन यहां पर है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जो कि बिहार में आता है। तो 2,93,947 एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है वो भरे जा चुके हैं, 7,167 अलग अलग सीट्स के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अगली जोन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहां पर
8,456 कैंडिडेट जो है अब तक अप्लाई कर चुके हैं, 5,249 यहाँ पर टोटल सीट थी। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अब तक 1,84,988 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, 4,914 अलग अलग सीट्स यहाँ पर जो वो थी। अगला जोन यहाँ पर हम देख लेते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 4,72,468 कैंडिडेट्स अब तक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं दोपहर 3 अप्रैल के दोपहर 11 बजे तक। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल सीट थी तो 4,730 यहाँ पर टोटल सीट्स थी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की बात करें तो 286,304 एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आ चुके हैं 3 अप्रैल को 11 बजे तक, ठीक है, यहाँ पर टोटल सीट थी 4,019। अगला यहाँ पर हम आरआरबी जोन देख लेते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ पर भी 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, 3,02,980 कैंडिडेट्स यहाँ पर अब तक आवेदन कर चुके हैं 11 बजे तक, 4,002 सीट्स पर यहाँ पर जो थी वो वैकेंसी आई थी। अगला यहाँ पर जो हम जोन देख लेते हैं वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, हाजीपुर में 2,46,867 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, 3,562 सीट यहाँ पर जो थी टोटल, यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्दी जल्दी भरे जा रहे हैं, कंपटीशन यहाँ पर भी काफ़ी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 2,05,897 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर अब तक आ चुके हैं। सीट्स की अगर हम बात करें तो 2,894 टोटल सीट्स यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी रेलवे भर्ती के लिए, ग्रुप डी भर्ती के लिए। अगला जोन इसी तरह से हम देख लेते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पर जो हमारे टोटल सीट्स टोटल एप्लीकेशन फॉर्म अब तक मेज़र किए गए हैं वो 1,89,706 कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं, टोटल 2,555 अलग अलग सीट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए थे, यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे डेंजर जोन जो अभी चल रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कंटिन्यूसली भरे जा रहे हैं वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ पर 1,664 तो टोटल सीट्स है लेकिन 1,72,903 एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पर सीट कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो एक सीट में बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है आपको आवेदन करते हुए नजर आएंगे, लगभग 100 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहाँ पर जो है वो रेस में है। बाकी जितने भी जोन है वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है। सबसे अधिक डेंजर जोन जो अभी फ़िलहाल चल रहा है वो साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर चल रहा है, यहाँ पर एक सीट के लिए 100 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो रेस पर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 16 जो अलग अलग जोन है, अलग अलग RRC है, वहाँ पर 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, कितनी सीट हैं, किस RRC में, सब कुछ मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा जोन जो है जहाँ पर अभी पर सीट्स कॉम्बिनेशन काफ़ी स्लो है या पर सीट कॉम्बिनेशन कम है, पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम चल रहा है, वो जोन आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आता है पहला है यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, यहाँ पर देखिए है तो ये बिहार के अंतर्गत आता है, 2,93,947 एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आए हैं, 7,167 सीट्स यहाँ पर है। अगर इसका हम पर सीट कॉम्बिनेशन अगर निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 45-46 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, बाकी जोन से हम कंपेयर करें तो किसी का 80-90 या 100 से ऊपर जा रहा है, तो ये जोन आपके लिए अभी सुरक्षित चल रहा है। अगला जोन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें अब तक 1,84,988 कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, 4,914 यहाँ पर टोटल सीट थी, यहाँ पर भी पर सीट कॉम्बिनेशन आपका 40 से 45 के बीच में जो है वो रहेगा। अगला है सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म 4,51,789 है, पर सीट कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है। अगली बात करें तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यहाँ पर भी पर सीट कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कम है। उसके बाद जो बात करें नॉर्थन रेलवे दिल्ली, नहीं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर भी पर सीट्स कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जोन सुरक्षित रहेंगे, यही जो लाल कलर के आपके जोन जिनको मैंने रेड रेड कर रखा है ये वो जोन है जो आपके लिए अभी सुरक्षित चल रहे हैं, पर सीट कॉम्बिनेशन यहाँ पर काफ़ी कम है, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये दो जोन यहाँ पर, अगला सेंट्रल रेलवे मुंबई, उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, और उसके बाद एक और जोन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये जोन अभी आपके सुरक्षित चल
रहे हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सुरक्षित चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई कम कर दें, मेन बात होती है आपकी पढ़ाई। ये सब तो डेटा है, ये तब तो एनालिसिस है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका किसी भी जोन से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप अपनी जो है वो तैयारी कंटिन्यूसली करते रहें। अब मान लीजिए किसी में कॉम्पिटिशन कम है, आपने वहाँ से अप्लाई कर दिया लेकिन तैयारी अच्छी नहीं की, तो वो भी एक ड्रॉबैक रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यूसली अच्छे से करते रहें। कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे रेलवे से संबंधित एक और नई भर्ती के साथ। थैंक यू सो मच।